गाइज़ वेलकम टू माई चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई जस्ट होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। सो गाइज़ आज मैं आप लोगों के लिए एक रिक्वेस्टेड वीडियो लेके आई हूँ। हाँ जी, मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि मैं उनको कॉटन की साड़ी वेयर करके दिखाऊं कि कैसे कॉटन की साड़ी को हम लोग पहन सकते हैं। तो गाइज़ मेरे पास कॉटन की साड़ी तो नहीं थी क्योंकि मैं कॉटन की साड़ी नहीं पहनती हूँ, और सिल्क की साड़ी है। बट ये सिल्क और कॉटन का कॉम्बिनेशन है, मतलब ये प्योर सिल्क नहीं है, कॉटन में भी ये आता है कपड़ा, तो कॉटन और सिल्क हम बोल सकते हैं, कॉटन और सिल्क का ये कपड़ा है। तो मेरे पास ये साड़ी थी तो मैंने इसी को वेयर करके आपके सामने मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। गाइस आपकी रिक्वेस्ट पे मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेके आई हूँ। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसे मैंने इस साड़ी को पहना है। वैसे तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि कॉटन की साड़ी हो या सिल्क की साड़ी हो, थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है पहनने में, बट अगर हम लोग पेशेंस के साथ पहने इसको तो कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होती है, आराम से लग जाती है। थोड़ा बहुत इसके अगर हम प्लेट्स बनाते हैं या फिर इसका जो हम पल्लू बनाते हैं, थोड़ा बहुत इसमें फुलावट आती ही आती है। तो अगर कोई पतला, जैसे मैं थोड़ा आप लोगों को पता है हेल्थी हूँ, तो थोड़ा मेरे पे ज़्यादा ओवर लग सकता है, लेकिन अगर कोई स्लिम हो और बहुत दुबली पतले हो तो उन पे ये कॉटन की साड़ी बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं आपको सीधा दिखाती हूँ किस तरीके से आप लोगों ने कॉटन की साड़ी को पहन सकते हैं। तो आइए देखिए। तो गाइज यहाँ पर मैं अपनी साड़ी पहनना स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं अपनी साड़ी ले चुकी हूँ और आप लोग देख सकते हैं मैंने अपने साड़ी के कॉर्नर पे जो गांठ होती है वो ऑलरेडी बना दी है। इस साड़ी को भी मैं लो वेस्ट में पहनूंगी क्योंकि काफी सारे लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम हाई वेस्ट में साड़ी ना पहने, अच्छा नहीं लगता है। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ही मैं लो वेस्ट में साड़ी पहन रही हूँ। तो फर्स्ट जो मेरी साड़ी है उसे मैंने अच्छे से टक कर लिया है और यहाँ पे मैं, आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहला अपना पल्लू लूंगी क्योंकि सिल्क की साड़ी में पल्लू को सेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पल्लू लूँगी और यहाँ पे मैं अपने शोल्डर पे ही पल्लू रखूँगी और देखूँगी कि पल्लू की लंबाई मुझे कितनी चाहिए। तो पल्लू की लंबाई के हिसाब से ही मैं यहाँ पे पल्लू को निकालूंगी और जो मेरी बाकी बची हुई साड़ी है उसकी मैं प्लेट बनाऊँगी। तो इतनी मेरी प्लेट्स बनाने के लिए साड़ी बची हुई है। तो सबसे पहले गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ से हम पल्लू निकालते हैं वहाँ पे मैं एक पिन टक कर रही हूँ, वो इसीलिए कि जो मेरा पल्लू हो वो लूज ना हो और मेरी जो प्लेट्स हो, यानी कि जो मेरी प्लेट्स हो वो अच्छे से बन पाए। प्लेट्स को हमने यहाँ से नहीं पकड़ना है, यहाँ से पकड़ना है पहले, क्योंकि यहाँ से हम पकड़ेंगे तो यहाँ से वो सेट नहीं होंगी, इसीलिए पहले हमने प्लेट्स तो बना लिए हैं बट पकड़नी हमने यहाँ से है। तो आप लोगों ने कुछ इस तरीके से पकड़ना है, ये देखिए जैसे मैं पकड़ रही हूँ बराबर पकड़ना है सब। ये साड़ी थोड़ी फूली फूली सी लगती है, भले हम बनारसी साड़ी हो या फिर कॉटन की साड़ी हो, इसको जितना करें ना हम, ये थोड़ी फूली फूली सी लगती है, तो इसीलिए थोड़ा सा फुलावट तो साड़ी में रहेगा ही, बट अगर हम अच्छे से लगाएंगे तो ये हमारी अच्छे से लग जाएगी। तो यहाँ पे मैंने इन सबको पकड़ लिया है, अब मैं जो ये ऊपर की जो हमारी प्लेट से इनको सेट करूँगी। थोड़ी सी तो मेहनत गाइज लगती ही है,
देख सकते हैं गाइज आप लोग, ये प्लेट्स हमारी बन चुकी हैं। और अभी मैं पहले इसको यहाँ पे एक पिन से टच कर लूँगी, ठीक है। यहाँ पे मैं ये सेफ्टी पिन ले रही हूँ, इससे मैं इसको टक कर लूँगी, क्योंकि अभी हमें नीचे के भी सेट करने हैं अपनी प्लेट्स। तो पहले मैं इसे अंदर टक नहीं करूँगी, यहाँ पे एक सेफ्टी पिन लगा के इसको टक कर लूँगी, ठीक है। और फिलहाल मैं इसको ऐसे ही हल्का सा ही डालूंगी, क्योंकि अब मैं इसे सही तरीके से नहीं डालू, बस हल्का सा इसे डालूंगी। पहले मुझे नीचे सेट करना है, उसके बाद मैं यहाँ सही करूंगी। तो अभी मैंने सिर्फ काम चलाऊ करने के लिए, अकेले से कभी साड़ी नहीं लगती है गाइस, ये बात आप लोग भी जान लीजिए। अगर आप लोग भी अकेले से साड़ी लगाते हैं तो अकेले से कभी साड़ी नहीं लगती है। मैं खुद अकेले से ही साड़ी लगाती हूँ, और वो भी कॉटन की साड़ी हुई या फिर कोई बॉर्डर वाली साड़ी हुई, तो बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। बट फिर भी क्या करें, लगाना तो पड़ता ही है ना, किसी के भरोसे तो बैठ नहीं सकते हैं। कुछ इस तरीके से हमें नीचे को दबाना है इनको, ताकि ये हमारे सेट हो जाएं। सो देख सकते हैं आप लोग, हमारे जो प्लेट्स हैं वो सेट हो रहे हैं। तो गाइस अभी हमारी सेट हो चुके हैं, अच्छे से सेट नहीं हुए बट हो चुके हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ ये इसमें थोड़ा फुलावट आ जाता है। अगर हम कॉटन की साड़ी पहनते हैं तो कॉटन की साड़ी में फुलावट आ जाता है। बट आप लोग देख सकते हैं हमारे जो प्लेट्स हैं वो सेट हो चुके हैं। और अब आप लोग देख सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे एक पिन टक की थी ना, तो इसका जो ये बॉर्डर है इसको मैं यूं करके साइड में, ये देखिए, यहाँ पे टक कर लूँगी, ताकि हमारी साड़ी का जो ये वाला पोर्शन है ये लूज ना हो। काफ़ी बार ये लूज़ हो जाता है, अभी तो ये लूज़ हो रहा है क्योंकि पल्लू सेट नहीं हुआ है, ये लूज़ ना हो इसलिए इसे यहाँ पे मैं टक कर लूँगी। और देखिए आप, ये हमने अपनी प्लेट्स पकड़ ली हैं सारी, और अब मैं इनको अच्छे से यहाँ पे टक कर लूंगी। सो मैंने टक कर लिया है, और ये छोटी सी सेफ्टी पिन लूंगी मैं, और यहाँ पे इसे लगा लूंगी। देखिए गाइज आप लोग, हमारे जो प्लेट्स हैं वो बिल्कुल सेट हो चुके हैं। अब मैं जो ये ऊपर का पल्लू है इसे सेट करूंगी। तो गाइस नीचे के हमारे प्लेट सेट हो चुके हैं, अब हम जो पल्लू का पोर्शन है इसे सेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पिन टच करी हुई है, ताकि जो मेरा ये वाला पोर्शन है ये लूज ना हो, तो इसलिए इसको थोड़ा यहाँ से हमें खींचना है, थोड़ा तेज खींचना है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये तेज खींच चुका हमें, लूज नहीं हो रहा है। और वैसे तो कॉटन का और सिल्क का जो नॉर्मली पल्लू होता है खुला ही रहता है, ओपन ही रहता है, बट मैं इसको भी सेट करूंगी, इसके भी प्लेट्स बनाऊंगी। क्योंकि अगर कोई डेली वियर में कॉटन के साड़ी पहनते हैं या फिर सिल्क की साड़ी पहनते हैं, तो वो खुला पल्लू लेके जा नहीं सकते हैं। मैं आप लोगों को ओपन पल्लू भी बता दूंगी कि किस तरीके से आप ओपन पल्लू रख सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग प्लेट्स वाले पल्लू बना के रखते हैं तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ओपन पल्लू दिखाऊंगी, कैसे आप ओपन पल्लू रख सकते हैं। तो बस नॉर्मल सा तरीका है, आप लोगों ने इस तरीके से इसे टक करना है। मैंने बोल दिया ना आपको, यहाँ से आपने टाइट करना है, बिल्कुल लूज नहीं छोड़ना है। और इसको थोड़ा नीचे करके ये देखिए, और जहां पे हमारा ये ब्लाउज का शोल्डर वाला फीट पे जहां पे सिलाई रहती है, यहाँ पे आप लोगों ने एक पिन लगा लेनी है। सो पिन मैंने लगा लिया है, और ये हमारी जो कॉटन की साड़ी है, आप लोग देख सकते हैं मैं इसे अच्छे से लगा चुकी हूँ। मैं आपको फुल लुक में इसको दिखाती हूँ, उसके बाद मैं जो प्लेट्स वाला पल्लू है वो आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से आप लोग प्लेट्स वाला पल्लू बना सकते हैं। तो गाइज इस जो खुला पल्लू में मैंने आप लोगों को बताया था, खुले पल्लू में इस तरीके से हमारी साड़ी दिखेगी। अगर आप लोग खुला पल्लू में अगर अपनी साड़ी लगाना चाहते हो तो इस तरीके से आपकी कॉटन की साड़ी दिखेगी।
देख सकते हैं आप लोग, थोड़ी सी फुलावट होगी साड़ी में बट बहुत अच्छे तरीके से आप इसे लगा सकते हैं। तो फुल लुक आप इसका देख सकते हैं। देखिए इसका फुल लुक, ठीक है। अब मैं आप लोगों को प्लेट्स बना के दिखाती हूँ, यानी कि प्लेट्स बना के जब पल्लू रखेंगे आप लोग तो किस तरीके से रखेंगे, ठीक है, तो वो दिखाती हूँ आप लोग को। तो गाइज मैंने आप लोगों को ओपन पल्लू करके दिखा लिया। अगर आप लोग ओपन पल्लू करके इस साड़ी को वियर करना चाहते हो तो बहुत अच्छा तरीका है, बट आजकल वैसे भी समर का सीजन है और अगर कोई डेली यूज में कॉटन की साड़ी या फिर सिल्क की साड़ी पहनता है तो वो इस तरीके से इसे नहीं रख सकता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को प्लेट्स बना के भी दिखाऊंगी, क्योंकि कॉटन की साड़ी और सिल्क की साड़ी में बहुत मुश्किल होता है पल्लू पे प्लेट्स बनाना, या फिर जो हम लोग प्लेट्स बनाते हैं नीचे, आप लोगों ने देख लिया होगा कितना ईजी नहीं है, थोड़ा मुश्किल होता है, बट अगर हम लोग कोशिश करेंगे तो हो जाता है। तो मैं यहाँ पे अपनी जो सेफ्टी पिन लगाई थी उसके मैंने निकाल लिया है और ये देख सकते हैं आप लोग, ये हमारा यहाँ पे बिल्कुल टाइट है। तो इसको मैं बनाने के सिखाती हूँ आप लोग। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने चार फिंगर अपने आगे किए और एक फिंगर पीछे, तो इन दो इसके और इसकी मदद से मैं इस पल्लू को पकड़ूंगी और ये तीन फिंगर की हेल्प से मैं यहाँ पे अपनी प्लेट्स बनाऊंगी। बहुत इजी तरीका है गाइस, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है सिल्क की साड़ी कॉटन की साड़ी पहनना, मुझे भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, बट अगर कोशिश करेंगे तो हो जाता है। तो यहाँ पे मैं अपने पल्लू को थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल दूंगी, डिफरेंट तो क्या नॉर्मली लोग ऐसा करते हैं बट मेरे लिए डिफरेंट ही है, मैं कम ही यूज करती हूँ। कुछ इस तरीके से मुझे अपने यहाँ पे प्लेट सेट कर दूंगी, देखिए आप लोग हो गया। ये वाला जो मैंने पकड़ा हुआ था उसको मैं यहाँ पे एक पिन से टच कर लूंगी, टक कर लूंगी, डिफरेंट तो नहीं बस नॉर्मल ही है, बट ये वाला बॉर्डर हमारा दिखना चाहिए, यहाँ पे मैं टक कर लूंगी। सो पहले मैं यहाँ पे टक करूंगी क्योंकि फिर ये लूज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसे टक कर लिया गाइस, अब मैं इसे यहाँ पे टक करूंगी, तो ये थोड़ा लूज हो रहा है, इसको यूं करके, और ये देखिए किस तरीके से कर इसको अंदर करना है, अंदर की साइड करना है, और जो हमारे ये वाले सारे प्लेट्स हैं इनको लेने हैं और एक सेफ्टी पिन की मदद से यहाँ पे हमने अंदर से ब्लाउज के अंदर से इसे टक कर लेना है। गाइस फाइनली ये भी हमारा लुक क्रिएट हो चुका है और मैं आपको फुल लुक में इसको दिखाती हूँ। तो गाइज देखा ना आप लोगों ने किस तरीके से मैंने इस साड़ी को पहना, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था गाइज, अकेले पहनना तो और भी ज़्यादा डिफिकल्ट है ऐसी साड़ियों को। नॉर्मली जो साड़ी होती हैं तो वो हम पहन लेते हैं बट सिल्क कॉटन की साड़ी पहनना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आप लोग देख सकते हैं मेरे पूरे फेस से पसीना आ चुका है क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग भी कर रही हूँ और मैं फ़ैन नहीं चला सकती हूँ, फ़ैन चलाऊँगी तो फिर आप लोगों को बहुत धड़ की आवाज़ आएगी, इसलिए मैं फ़ैन नहीं चला रही हूँ। तो आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके मैंने ये वीडियो बनाई है, सो गाइस मेक श्योर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी इतनी सी भी मेहनत दिखी होगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप लोगों का कोई और सजेशन हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों के रिक्वेस्ट पे ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों को गाइज अपनी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।